तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी साउथ इंडियन रेसिपी ऑरेंज रसम। आप इसे बहुत ही जल्दी बना के तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून तूर दाल ले लेंगे और यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून उड़द दाल ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून चना दाल और यहाँ पे मैंने एक कलर वाला लाल मिर्च ले लिया है और 10 से 12 काली मिर्च और 1/2 टेबल स्पून जीरा। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। और अब 2 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है, हम इसे इसमें डाल देंगे और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले लिया है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और यहाँ पे मैंने एक टमाटर को रफली चॉप कर लिया और अब हम इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे 3 ऑरेंज ले लिया है और इसे इस तरीके से बीच से कट कर लिया है और अब हम इसका इस तरीके से जूस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज का जूस भी निकाल लिया है और यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे और घी को मेल्ट कर लेंगे। और अब घी भी मेल्ट हो चुका है, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून सरसों ले लिया है और यहाँ पे मैंने 1 स्प्रिंग करी लीव्स ले लिया है और 2/3 टेबल स्पून हींग और यहाँ पे मैंने 2 लाल मिर्च ले लिया है और हम इसे इस तरीके से बीच से तोड़ लेंगे और इसे कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब ये फ्राई हो चुका है और मैंने ग्राइंडर जार में 1/2 ग्लास पानी डाल के ले लिया जिसमें हमने मसाला तैयार करके रखा था और यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास पानी और ले लिया है। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है और अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए इसे बॉयल होने देंगे। और अब यहाँ पे 10 मिनट्स हो चुके हैं, ये अच्छे से बॉईल हो चुका है और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ले लिया है और 1/2 लेमन का जूस और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ले लिया जिसे बीच से कट कर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया और यहाँ पे मैंने जो ऑरेंज का जूस निकाल के रखा था हम इसे इसमें डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा ऑरेंज रसम बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।